हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस डिज़ाइन का लीफ बनाए थे और इस वीडियो में इस डिज़ाइन का फ्लावर बनाएंगे। इस फ्लावर को बनाने में हम दो कलर का यूज करेंगे, एक अल्ट्रा मैरिन ब्लू 23 और एक वाइट, और इसमें पेन ब्रश 04 नंबर यूज करेंगे। तो चलिए बनाते हैं फ्लावर। सबसे पहले तो लाइट ब्लू कलर बनाएंगे, यानी वाइट कलर में थोड़ा सा ब्लू कलर मिक्स कर देंगे तो हमारा लाइट ग्रीन कलर बन जाएगा। उससे फ्लावर के पेटल्स को पहले फिल करेंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, और बन जाइए मेरे इस प्यारे से ज्ञानलोक फैमिली का एक प्यारा सा सदस्य। पेंटिंग से जुड़े आपके मन में यदि कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सवालों का जवाब अवश्य मिलेगा। यदि आप पहले से हमारे चैनल पे हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ हर कमेंट का रिप्लाई किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से फिल करने के बाद किनारे पे थोड़ा खाली जगह छोड़ेंगे और डार्क ब्लू कलर से लाइनिंग करके और इस तरह से मिक्स कर देंगे। फिल करने के बाद इसे हल्का सुखाएंगे, ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा सूखे नहीं, ज़्यादा सूख जाने के बाद जो डिज़ाइन होगा वो अच्छा नहीं बन पाएगा। सो थोड़ा सुखाएंगे और उसके बाद उसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि फ्लावर का कली जिधर झुका है उधर ही हम शेडिंग का स्टॉक दें, और यदि आपका पेंट ज़्यादा गाढ़ा हो तो थोड़ा मीडियम का यूज उसमें कर लें। फ्रेंड्स, यदि आप इस डिज़ाइन का लीफ बनाने का तरीका और स्केचिंग देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। ये फ्लावर पेंटिंग का तरीका बहुत ही आसान है और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत दिखता है। तो यदि आप अच्छे से सीखना चाहते हैं इस तरीके को और इसका फाइनल लुक देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए। तो ये हमारा एक पीटल रेडी है, चलिए दूसरा बनाते हैं। इसे भी पहले फिल कर लेंगे इस तरीके से। फिल करते समय ध्यान रखेंगे कि हमारा जो पेंट है वो बाहर ना निकले, और यहाँ भी सेम प्रोसेस अपनाएंगे, किनारे पे ब्लू कलर ऐड करके और उसे मिक्स कर देंगे इस तरीके से। कली के ऊपर भी थोड़ा सा ब्लू कलर ऐड करेंगे और फिर उसको नीचे की तरफ शेड देते हुए मिक्स करेंगे इस तरीके से। इसी प्रकार से सभी पीटल्स को बारी बारी से बना लेंगे। चलिए पहले सबको फिल कर लेते हैं, उसके बाद एक एक करके सब में शेड देंगे। तो हम सभी पीटल्स में लाइट ब्लू कलर फिल कर चुके हैं, तो किनारे पे डार्क ब्लू कलर ऐड करके और इसे मिक्स करेंगे।
और बीच वाले पार्ट को बनाने के लिए यहाँ लाइट ब्लू कलर से फिल कर देंगे और बीच में हल्का डार्क ब्लू कलर का डॉट देंगे और मिक्स कर देंगे। इस तरीके से फिल करने के बाद बीच में डॉट देंगे तो देखिए कितना प्यारा सा लुक आया है। मुझे तो ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये डिज़ाइन और पेंट करने का तरीका कैसा लगा। डिज़ाइन के इस पार्ट के लिए पहले फिल कर देंगे येलो कलर से और उसके बाद ऑरेंज कलर से लाइन देकर और मिक्स कर देंगे। इस तरीके से यदि आपके पास ऑरेंज कलर ना हो तो आप येलो कलर में थोड़ा सा रेड कलर मिक्स करके ऑरेंज कलर बना सकते हैं और बीच में ऑरेंज कलर से लाइन कर देंगे तो देखिए कितना प्यारा सा ये डिज़ाइन बना है। चलिए आपको पूरा डिज़ाइन दिखाते हैं। तो ये है हमारा फाइनल लुक इस डिज़ाइन का। उम्मीद है आप लोगों को ये डिज़ाइन बहुत ही पसंद आया होगा। तो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।